अपनी ब्रांड का लोगो बनाए सिर्फ 2899 में logobigo.com। अब बनेगा ब्रांड। तो भाई फिर से एक बार एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ध्रुव राठी का हमने यार लास्ट का वीडियो किया था भाई, जबरदस्त वीडियो था। उन्होंने एक चैलेंज दिया था जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन है उनको, क्योंकि यार कल महाराष्ट्र के इलेक्शन होने वाले, कल वोटिंग है। अभी देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कौन सी पार्टी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। यार लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कौन सी पार्टी थी जिन्होंने एकदम फटाक से उसका रिप्लाई किया था और चैलेंज एक्सेप्ट किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, आईबटन पे लिंक के पीछे चेकआउट करना। अभी देखते हैं इस वीडियो में और कौन सी पार्टी है जिन्होंने मतलब उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है और आगे वो क्या बोलने वाले है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पहले वीडियो देखते हैं, देन उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। लेकिन चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता की डिमांड्स को स्वीकार करने के लिए पॉलिटिशियंस की लाइन लग गई हो, वो भी तब जब इन डिमांड्स को एक यूट्यूबर ने उठाया। पिछले वीडियो में दोस्तों महाराष्ट्र और देश में बिगड़ते हालातों को देखकर हमने लॉन्च किया मिशन स्वराज। मिशन स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित। मैंने डिटेल में बात करी महाराष्ट्र में समस्याओं के ऊपर और उनका एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है, और इसके आधार पर नेताओं के सामने 7 डिमांड्स रखी। ओपन चैलेंज दिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करो और ऑफर दिया जाता है, अगर आप इसे स्वीकार करोगे तो हम अपनी तरफ से कंडीशनल सपोर्ट देंगे और आपको हाईलाइट करेंगे। और दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि बड़ी लंबी लिस्ट है इन पॉलिटिकल पार्टीज की और नेताओं की जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता और तेओसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक यशोमती ठाकुर, शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार जो करजत जामखेड़ से विधायक है, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट से विधायक हैं, इन्होंने तो पूरा वीडियो भी बनाया रिप्लाई में, शरद पवार की एनसीपी के नेता डॉक्टर अमोल कोले जो शिरूर लोकसभा से सांसद हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता ओम प्रकाश बाबा राव कड्डू जो अचलपुर सीट से विधायक हैं, और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अगाड़ी ने भी ये ट्वीट किया। इन सभी का धन्यवाद कि जनता के प्रति ये इतने रिस्पॉन्सिव रहे। लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है, क्या ये लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद मुकर तो नहीं जाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने इसी को लेकर सजेशंस दी थी कि इन्हें अकाउंटेबल ठहराने के लिए हमारे पास एक डेडलाइन बेस्ड प्लान होना चाहिए, कि एग्जैक्टली इन्हें क्या करना चाहिए, किस डेट तक करना चाहिए। इस मसले पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा अब इस वीडियो में। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले मैं जरा उनका जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को खुला ऑफर दिया गया था, सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी इसे एक्सेप्ट करने की। मैंने ये तक कहा था कि अगर पास्ट में मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया उसे भुलाने को तैयार हूं मैं, लेकिन फिर भी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह देखकर कि महायुति अलायंस की एक भी मेन पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों वाला ये मिशन स्वराज रास नहीं आया। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहूंगा कि मैंने क्या गलत बात कर, यही कि एक भी किसान की आत्महत्या से मौत ना हो, फार्मर सुसाइड्स के आंकड़े को जीरो पर लाया जाए, हर एक किसान को साल में 15 लाख कमाने का मौका मिले। मैंने बात करी थी फ्री क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर की, सबको शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिले, लोकल छोटे उद्योगों को प्रमोट करके सबको रोजगार की व्यवस्था मिले। लेकिन बीजेपी और उनके एलाइज को शायद ये जमा नहीं, सभी विषयों पर बीजेपी का मुंह बंद रहा। उल्टा उनके मुंह से ऐसी बातें निकली कि देखकर लगता है कि मुंह बंद रहना ही अच्छा है। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई, उत्तर प्रदेश में झांसी के एक सरकारी अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की, न्यूबॉर्न बेबीज की आग में जलकर मौत हो गई। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली गई 10 बच्चों की जान, चारों तरफ चीख पुकार, ऐसा भयावह मंजर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और बेबस लाचार उन्मा का दुख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतक बच्चों के परिवारों के लिए हमदर्दी व्यक्त की, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बैठा दी। लेकिन दिक्कत ये है कि यही तो होता है हर बार, कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो थोड़ी हमदर्दी व्यक्त कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो और जांच के लिए टीम बैठा दो, जो रूट कॉज है उसकी कभी बात मत करो। इस दुखद घटना की वजह साफ है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखी, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कैपेसिटी थी 18 बच्चों की और इसमें एडमिट किए गए थे 49 बच्चे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट
अपने सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जिसकी वजह से ये आग लगी। एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने बताया कि उस वार्ड के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ और आग लग गई। एबीपी न्यूज की न्यूज रिपोर्ट बताती है कि आग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लगी थी। सोनू और संजना का 11 दिन पहले बच्चा हुआ था। क्योंकि बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ था, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए उसका इलाज चल रहा था इस हॉस्पिटल में, और फिर आग लगी और इनके बच्चे की मृत्यु हो गई। जलाऊं की संतोष देवी की मृत बच्चे की पहचान शनिवार को ही हो सकी। सोचिए कि किस तरीके से उस मां ने पूरी रात गुजारी होगी। याकूब और नजमा की आंखों से आंसू सूख नहीं पा रहे। जुड़वा बेटियां हुई थी इनकी, दोनों आग में जलकर मारी गई। हालांकि अपनी बेटियों को नहीं बचा पाए, लेकिन याकूब ने खिड़की तोड़ी और जितने बच्चों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है जैसे बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया गया था, कहीं याकूब के साथ भी वैसा ही ना किया जाए। असल में बात क्या है ना, हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जिनके दिलों में नफरत कूट कूट कर भरी है। हॉस्पिटल स्टाफ ने बच्चों को बचाने के बहुत एफर्ट्स किए। ऐसा करते हुए एक फीमेल स्टाफ मेंबर के कपड़ों में आग लग गई थी और उन्हें खुद को बचाने के लिए अपने कुछ कपड़े उतारने पड़े, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। एक और इंसान कृपाल सिंह, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक नर्स को बाहर तेजी से भागते हुए देखा जिनके पैरों में आग लगी हुई थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एनएस सिंगार ने कहा कि अस्पताल के फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑपरेशनल थे, उनका इस्तेमाल किया गया, स्टाफ मेंबर्स भी फायर रिस्पांस प्रोटोकॉल के लिए ट्रेंड थे। यही कारण है कि करीब 39 बच्चों को बचाया जा सका। लेकिन अब इस ट्रेजेडी के लिए इस हॉस्पिटल स्टाफ में से ही किसी को बलि का बकरा ना बना दिया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि हमारे देश में दोस्तों कुछ नेता इतने ढीठ हैं कि कभी अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं। साल 2022 में पोर्चुगल के देश में एक प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट महिला की मृत्यु हो गई थी, और वहां की हेल्थ मिनिस्टर मार्था टेमिडो ने इसे अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा दे दिया था। सोचकर देखो, एक टूरिस्ट की मृत्यु होने पर हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अस्पताल आते हैं तो ऐसी ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है, वीआईपी वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस वीआईपी वेलकम की निंदा करता हूं। जिसने चूना डाला उसे पहचाना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब सोचकर देखो, अब इन बेचारे लोगों की क्या गलती जो वहां पर चूना डाल रहे थे। क्या वो बंदा जो इनका वीआईपी वेलकम कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था? मंत्री जी, पूरे राज्य में किसी को शौक नहीं होगा आपको वीआईपी वेलकम करने का। और अगर आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की, तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए। कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो, रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह इन्हें एक ही डायलॉग बार बार दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार बार करते रहते हैं। शायद इसी काम में ये एक्सपर्ट हैं, तभी ये डायलॉग इनके मुंह से हटता नहीं है। इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। लेकिन इन्हें क्या, 10 बच्चे ही तो मरे हैं। लोग तो मरते रहते हैं, कभी पुल के गिरने से, कभी रेलवे हादसे में, कभी अस्पताल में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी महाराष्ट्र में। इन सब के चलते चुनाव प्रचार नहीं रुकना चाहिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स को स्वीकार करते रहोगे तो ये लोग भी आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते रहेंगे। Exactly. शुक्रवार के ही दिन मणिपुर में 6 लोगों की लाशें बरामद हुई। दूसरे देशों में वॉर रुकवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने देश में मणिपुर में हिंसा अभी भी नहीं रुकवा पा रहे। पापा, इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें कहना चाहिए कि हर एक नागरिक की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बटेंगे कटेंगे का एक पॉलिश्ड वर्जन है, लेकिन बच्चा बच्चा समझ सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली में यूनिटी की बात नहीं करी जा रही। इस चीज के लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, डॉग विस्लिंग, यहाँ पर ये चीज करी जा रही है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और वाकई अब ये सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल रहे नहीं। इनके भाषण निर्लज्जता की सभी हदें पार कर चुके हैं, और जो इनका रवैया है वही महाराष्ट्र बीजेपी का है। महाराष्ट्र के ही एक बीजेपी नेता महेश बादली, जो गुजराती ओरिजिन के हैं, बोलतात या मारवाड्याला जिंकून देणार नाही, तुझ्या लय पिढ्या या लागतील मला हरवायला।
अंड्यात खाणारे, नारळात खाणारे, वो अपनी रैली में खुल्लम खुल्ला मराठी लोगों का अपमान कर रहे हैं, अग्रिकोली समुदाय के खिलाफ ज़ेनोफोबिक कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पार्टी सब में फंसी हुई हो, जिनका चुनाव जीतने का एकमात्र सहारा लोगों को डराना हो, उस पार्टी के पास कहां से टाइम होगा हमारे मिशन स्वराज के लिए। इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ कि इनकी पार्टी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस मिशन का। छोड़िए इस नेगेटिविटी को, अब बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने पॉजिटिव एजेंडा पर बात करी, मिशन स्वराज पर बात करी। अब ये जो सारे नेता हैं जिन्होंने जनता के मुद्दों की बात करी, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित मिशन स्वराज की बात करी, कमेंट्स में आप में से बहुत से लोगों ने इन नेताओं और पार्टियों से आश्वासन मांगा है कि अगर इन्हें वोट देकर जितवा दिया जाता है और महाराष्ट्र की नई सरकार का ये हिस्सा बनते हैं तो आगे क्या होगा, क्या है यहाँ पर डिटेल्ड प्लान, इन 7 सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में कितना पैसा लगेगा और ये पैसा कहां से आएगा। आप में से कुछ लोगों ने सही सजेशन दी कि टाइमलाइन निर्धारित होनी चाहिए, कौन सा काम कितने दिनों में हो पाएगा हमें पता लगना चाहिए। अब महायुति अलायंस ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया तो इनसे क्या ही कहूं, लेकिन महाविकास अगाड़ी अलायंस से मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं ये और सरकार बनाते हैं तो मिशन स्वराज के इन 7 बिंदुओं पर काम करने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर कुछ एमिनेंट लोगों को कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सरकार में अपॉइंट किया जाए। मैं ऐसे 10 लोगों के नाम सजेस्ट करना चाहूंगा। अपने वीडियो में तो मैंने मोटे मोटे तौर पर सॉल्यूशंस बताए थे, लेकिन एग्जैक्टली बजट को देखकर, टाइमलाइंस को देखकर कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे सॉल्यूशंस, इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और उन लोगों से अच्छा एक्सपर्ट कौन होगा जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर चेंज लेकर आए हैं। पहले भारत भूषण त्यागी, ये एक रिनाउंड फार्मर और एजुकेटर हैं जिन्होंने 80,000 से ज्यादा किसानों को ट्रेनिंग दी है उत्तर प्रदेश में। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और मुझे लगता है ये इसलिए सही इंसान होंगे महाराष्ट्र के किसानों को भी सही राह दिखाने के लिए। दूसरे हैं डॉक्टर रमन जनयलुलु, एक विजनरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने 0 बजट नेचुरल फार्मिंग के इनिशिएटिव को चलाया था। उन्होंने कई सारे किसानों को केमिकल फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड सिखाए हैं। तीसरे इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इन्होंने भरपूर रिसर्च करी है कि पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। जब बात छोटे बिजनेसेस को, लोकल उद्योगों को प्रमोट करने की आती है तो मुझे लगता है ये कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं। चौथे इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, एक और नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जो इस फील्ड में बहुत मदद कर सकते हैं। इनके ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में आइडियाज ने यूनाइटेड नेशंस तक पर गहरा प्रभाव डाला है। नंबर 5 स्वाति परातकर, ये हैं प्रेसिडेंट लिज्जत पापड़, एक बड़ी फेमस पापड़ बनाने वाली कोऑपरेटिव कंपनी। इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है औरतों को एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में लाने में। 45,000 से ज्यादा औरतें इनकी इस कोऑपरेटिव से जुड़ी है। तो अगर हमें इन बड़े बड़े अरबपतियों के द्वारा चलाई जा रही कंपनीज को प्रमोट करने की जगह छोटे बिजनेसेस को, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना है तो ये सही एडवाइस दे सकती है। नंबर 6 सोनम वांगचुक, लद्दाख के फेमस इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर। आज के दिन इनके बारे में हर कोई जानता है, इनका ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं। बस इतना कहना चाहूंगा एजुकेशन की फील्ड में ये बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए। नंबर 7 महेश चंद्र मेहता, एक बड़े ही मशहूर एनवायरमेंटल लॉयर एक्टिविस्ट। इन्होंने कई बेहतरीन एनवायरमेंटल कैंपेन्स चलाई हैं जिसका असर सीधा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर पड़ा है। इनकी मदद से हम ताजमहल को प्रोटेक्ट कर पाए, दिल्ली में CNG आ पाया, यही कारण कि इन्हें प्रेस्टीजियस रामोन मार्क्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 8 अफरोज शाह, इनकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी। इन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मुंबई में बीचेस को साफ कर दिखाया। अगर सफाई से रिलेटेड डिटेल्ड प्लान बनाना है महाराष्ट्र को पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाने के लिए तो मुझे लगता है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी रहेगा। नंबर 9 श्याम सुंदर ज्ञानी, जो राजस्थान में फेमस रहे हैं 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड़ उगाने के लिए। इन्होंने फैमिलियल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और 2019 में महात्मा गांधी जी के 150th बर्थडे पर राजस्थान में 150 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों को ट्री प्लांटेशन ड्राइव में इन्वॉल्व करवाया। नेचुरल इकोसिस्टम्स को कैसे रिस्टोर किया जाए उसके लिए ये कॉन्क्रीट प्लान बनाने के लिए सही आदमी होंगे। इन्हें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड भी दिया गया था। और फाइनली नंबर 10 मेरी आखिरी सजेशन अभी के लिए पोपट राव पवार, जिससे मैंने पिछले वीडियो में एक विजनरी लीडर जिन्होंने अपने पूरे गाँव को ट्रांसफॉर्म कर दिया, करोड़पतियों का गाँव बना दिया। एग्जैक्टली वाटर कंजर्वेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसी टेक्निक्स को कैसे महाराष्ट्र वाइड पूरे स्टेट में प्रमोट किया जाए, इनसे बढ़िया कौन बेटर कंट्रीब्यूशन देगा इस चीज में। अगर एक आत्मनिर्भर गांव बन जाएगा तो एक बलशाली भारत बन जाएगा और बापू का सपनों वाला एक बलशाली भारत निर्माण करेंगे। यही बात रखकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
तो ये 10 लोगों की सजेशन से मेरी तरफ से एक शुरुआती कदम के तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में इन लोगों को अप्रोच किया जाए और अगर ये सहमत हो तो इन्हें कंसल्टेंट के तौर पर सरकार में अपॉइंट किया जाए। इन लोगों की मदद से महाराष्ट्र की नई सरकार 6 महीने के अंदर अंदर एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाए और जब वो तैयार हो तो जनता के सामने रखा जाए और मैं भी उसे पब्लिसाइज करने में मदद करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। आप लोग तब तक अपनी तरफ से वोट करना मत भूलें और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच जाए। शेयर कर दो भाई, ग्राउंड लेवल पर चेंज देखने का। Exactly. हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारी डिमांड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे वीडियो खत्म। भाई साहब जबरदस्त। और एक चीज है ना कि मतलब ध्रुव राठी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, असली मुद्दों पे बात की है भाई। हाँ। किसी पार्टी को हेट नहीं, किसी पार्टी के बारे में गलत नहीं, जो एक्चुअली सामने है, जो दिख रहा है। लास्ट वीडियो में उन्होंने क्या मुद्दे उठाए थे, क्या थे, मतलब 7 मुद्दे जो थे प्राइमरी मुद्दे थे सब। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है या बहुत सी चीजें हमको करनी पड़ेगी और वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिल्कुल भी मतलब नहीं कर सकते, नहीं कर या फिर बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ऐसी कोई भी चीज नहीं, बहुत मतलब स्पेसिफिक पहले से करते तो यहीं तक पहुंचते नहीं। लास्ट का वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, लास्ट का वीडियो थोड़ा बहुत हमने मराठी में ज्यादा किया है क्योंकि यार महाराष्ट्र की इलेक्शन है, बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम दोनों मिक्स करेंगे, मराठी हिंदी, थोड़ा मराठी थोड़ा हिंदी, है ना। तो भाई यार ये वीडियो मुझे जबरदस्त लगी और अभी ये इन्होंने जो एक्शन प्लान बनाया है ना, बाहर जो आवाज है ना भाई, तला इग्नोर करून टाका यार, कंटिन्यू काम चालू है, माहित नहीं यार कभी बंद होईल। तो यार इस वीडियो में भी ना उन्होंने बहुत सी चीजें बताई है कि मतलब किस पार्टी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि उद्धव ठाकरेंची जी शिवसेना आहे, तर आदित्य ठाकरेंनी सगळ्यात पहिले त्याच्यावरती ट्वीट केलं होतं, ट्वीट नाही आय थिंक इंस्टाग्राम वरती पोस्ट केली होती। तो ये चीज मैंने लास्ट के व्हिडिओ में आपको बताई है और आताच्या या व्हिडिओ मध्ये जे आपल्याला कळलं की भरपूर पार्टीज आहेत, म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवारांची, त्याच्यानंतर वंचित बहुजन आघाडी, काँग्रेस पार्टी, म्हणजे महाविकास आघाडी पूर्ण जेवढे मनसे, अर्थात ती महाविकास आघाडीचा पार्ट नाही आहे, पण तरी पण यार एक आहे की ऍटलीस्ट त्यांनी सांगितलं तरी ऍक्सेप्ट तरी केल्याची आणि म्हणजे ती पण एक मोठी गोष्ट आहे की ऍटलीस्ट तुम्ही जे प्रायमरी मुद्दे त्या गोष्टी ऍड्रेस तरी करा। तर खरंच त्या गोष्टीचं कौतुक आहे की ज्या ज्या पक्षांनी म्हणजे या सगळ्या गोष्टी ऍक्सेप्ट केल्या, हे चॅलेंज ऍक्सेप्ट केलं, त्या सगळ्या पक्षांचं यार खरंच कौतुक आहे। पण एवढंच आहे की फक्त ऍक्सेप्ट करून चालणार नाही, त्याच्यावरती इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे, त्याच्यावरती काम पण झालं पाहिजे। तर तेच या व्हिडिओ मध्ये त्यांनी एक टाइमलाइन आपल्याला आखून दिलेली आहे, 6 महिन्यामध्ये कसं कसं त्याच्यामध्ये काम करू शकाल। और जितने भी लोगों का उन्होंने मतलब जिक्र किया कि जो जितने भी एक्सपर्ट मतलब है पूरे भारत में, चीजों में एक्सपर्ट है, तो उनकी हेल्प लेके आप कैसे महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हो। तर यार ही कन्सेप्ट मला जबरदस्त वाटली है ना। अभी तो यार कल इलेक्शन है तो देखेंगे मतलब की सबसे पहले तो इलेक्शन कैसा होता है, कितने परसेंट इलेक्शन होता है, उसके बाद कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी मतलब अभी तो दो ही है, मतलब एक महायुति और एक महाविकास आघाड़ी। तो अभी ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मतलब कौन जीतता है। और जैसे यार मुझे इस चीज का बुरा लगा कि महाविकास आघाड़ी ने एक्सेप्ट किया और महायुति मतलब एक भी दल ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा यार ये चीज की यार आप महाराष्ट्र में राजनीति करते हो, महाराष्ट्र में आप चुनाव, आपकी सत्ता है, आप चुनाव लड़ रहे हो, और ये मुद्दे ऐसे है ना कि ये मतलब पॉलिटिक्स के बहुत ऊपर के मुद्दे, इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात है नहीं, ये लोगों के मतलब जीवन से जुड़े हुए मुद्दे है, एकदम सामान्य गोष्टी आहेत ना। या गोष्टींमध्ये राजकारण आणणं म्हणजे मला योग्य नाही वाटत, मतलब यार काफी प्रायमरी मुद्दे थे की इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए था मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवेज अभी जो है वो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी अपील रहेगी कि जितने भी महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं भाई, कल वोटिंग कीजिए, उद्या मतदान करा, आपल्याला जास्तीत जास्त मतदान करायचं आहे। मी हे सांगत नाही की तुम्ही कोणाला मतदान करा, तुम्हाला जोही उमेदवार योग्य वाटेल त्या उमेदवाराला मतदान करा, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की याच्या आधीचा जो पण इतिहास आहे, याच्या आधी जे पण आपण एक्सपिरियन्स केलेलं आहे ते सगळं डोक्यामध्ये ठेवून आपण मतदान करावं, एवढीच माझी माफ अपेक्षा आहे। बाकी यार हा व्हिडिओ तर आम्हाला जबरदस्त वाटला, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा। चॅनल वरती न्यू असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून टाका, अगर चॅनल नहीं हो तो प्लीज चॅनल को अभी सबस्क्राइब कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। हमारे ब्लॉग चैनल पे जो है वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो है, लाओस की वहाँ पे सीरीज चल रही है, जाइए देखिए, अच्छे लगते
पे तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रभात आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।